Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Oh Govinda kya hal chal apni to majhe mein kat rahi hai yaar चाचा क्या लगा रखा है सुबह सुबह कुछ रॉकिंग शॉकिंग लगाओ यार रॉकिंग शॉकिंग अरे हाँ ये ले बेटा रॉकिंग शॉकिंग अरे वाह चाचा वाह मजा आ गया अरे गोविंद भाई ये बता यार आजकल अविनाश नजर नहीं आया कहाँ गया अविनाश हाँ पता नहीं कहाँ गया यार अरे ये लो शैतान का नाम नहीं और शैतान आज़ाद तू की मुंह लटका यार है सुबह सुबह अबे क्या बताऊं भाई सेमेस्टर एग्जाम बहुत बेकार हुए हैं दो तीन सब्जेक्ट में तो बैक पक्का है और अगर नहीं आई तो यूनिवर्सिटी लगा देगी भाई इसे क्यों फेंक रहा है यार 5 रुपए की आती है कुछ भी कहो यार अपना तो फर्रा चल गया था साला सोचा था बीटेक में पढ़ाई होती है आज जाके पता चला साला बीटेक में एक भी नहीं चार चार भी होते हैं चार चार भी हाँ बियर बाइक बेच और बैग अरे चाचा 3 कटिंग देना क्यों बचुआ आज लस्सी नाना पियोगे अरे चाचा वैसे दिमाग की दही हो रही है यार आप चाय पिला दो यार बस अबे ये चाय तो कुत्ता भी नहीं पिएगा अंकल जी से कुत्ते वाली चाय पिलाओ अबे पता आज क्या है क्या है 31st तो चले चीटी वहां मिलेगी एक से एक ब्यूटी नहीं यार आज हुक्का लॉन चलते हैं वहां कबाब और शबाब दोनों मिलेंगे ओए ब्यूटी तो यहीं आ गई तू वहां जाके क्या करेगा अबे ओ तमीज से बात कर क्यों अबे तेरी बहन लगती है वो बहन लगती होगी तेरी तेरी तो मैं बस तूने भाई को मारा तूने भाई के भाई को मारा अबे तेरी तू आज नहीं मेरे को हॉस्टल में तेरे को मैं आज तमीज से बात कर भाई जूनियर है जूनियर तो पैसे देखे वैसे से बात कर अबे हॉस्टल जाएगा नहीं जाएगा अरे चलेंगे मिल लेंगे तेरे को बाहर आज तू गया बेटा आज तू मर गया यार साल का आखिरी दिन भी बेकार गया अरे ये पर्स किसका है अबे इसके लिए पर्स रखने की क्या जरूरत थी देखें तो सही क्या है इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन एट महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डेस्टिनेशन वैकुंठा ड्रामा वैकुंठा वैकुंठा मीन्स अप्सराज लेट्स गो अविनाश हाँ विनाश तुम यहाँ आओ ओए कौन हो भाई और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता मुझे सब पता है मैं हूँ भागवत पुराण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विस्तार
इस कलयुग में मैं धर्म की रक्षा और बद्ध जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूं। तुम मुझे भागवत कह सकते हो। मैंने तुम्हें मुक्ति देने के लिए चुना है और तुम यहां नियति के अनुसार पहुंचे हो। क्या तुम्हें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई चिंता ना हो और कोई संघर्ष ना हो? अरे ओ संघर्ष, एक मिनट, क्या नाम बताया? हाँ, भागवत। मुझे इस फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। मैं तो टाइम पास के लिए आया था, सोचा था कोई अप्सराएं दिख जाएगी। और भाई देवे, तेरी अप्सराएं हैं कहां पे? एक दो तो दिखा दे यार। और वैसे भी माय लाइफ इज ऑल चिल, नशा, खाना पीना, ऐशो आराम, गर्लफ्रेंड्स। मैं प्रेजेंट में रहता हूं, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। लिव टुडे, एंजॉय टुडे, क्या पता कल हो ना हो। माय लाइफ माय रूल्स। अविनाश, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो जीवन के विषय में, पर यह चकाचौंध ज्यादा देर नहीं रहेगी। एक ना एक दिन तुम्हें मृत्यु के देवता को उत्तर देना ही होगा, और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु? यू मीन डेथ? हाँ अविनाश, मृत्यु। तुम कभी नहीं जान सकते कि अगले पल क्या होने वाला है। क्या पता कि मृत्यु के दूत तुम्हारी सांसें गिन रहे हो। ओए, मैं मरने से नहीं डरता, और वैसे भी एक ना एक दिन सबको मरना है। अगर मौत का सामना करना भी पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या सच में तुम्हारा दिल यही कहता है? तुम यहाँ विधि के विधान से आए हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ओ भाई, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? ध्यान से सुनो। ठीक है। प्राचीन समय की बात है, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह अत्यंत मृदु व सुशील था और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए फल प्राचीन समय की बात है, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह अत्यंत मृदु व सुशील था और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। एक दिन अजामिल अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए फल, फूल तथा समित व कुश नामक दो प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर जाते समय उसे अत्यंत कामुक शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वैश्या का आलिंगन कर रहा था। अरे तुम कहाँ हो? तुम मेरे आंखों के सामने से फिर उछल हो गई, बड़ी शरारती हो तुम। मैं यहाँ हूँ, ढूंढो मुझे। ओहो, यहाँ हो तुम, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। प्रियतम, आज रात तुम क्या कर रहे हो? रात तो बहुत दूर है, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, वहाँ सिर्फ मैं और तुम और मैं। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित हो उसके वश में आ गया। उसने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने मन के भीतर कामदेव का वेग होने के कारण वह अपने मन को साध ना सका। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा एक शूद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया।
इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद उसने उसे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लिया तथा ब्राह्मण ने सारे अनुष्ठानों का त्याग कर दिया। अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी उस अति सुंदर पत्नी तक का त्याग कर दिया। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल से था किंतु वैश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन होकर उस धूर्त ने जैसे तैसे धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था अतः स्वाभाविक है कि वह अपने माता पिता का लाडला था। जब अजामिल भोजन करता तो वह अपने बालक को खाने के लिए पुकारता और जब कुछ पीता तो उसे पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसके नाम पुकारने में सदा लगा रहता और अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। नारायण तो कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, अपने पिता के पास आओ। लगता है मेरी मृत्यु आ गई है। अन्यों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही हैं? जो वेदों के द्वारा संतुष्ट है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वे साक्षात भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमें यमराज से यही सुना है, सूर्य अग्नि आकाश वायु देवता चंद्रमा संध्या दिन रात दिशाएं जल स्थल एवं स्वयं परमात्मा में सभी जीव के कार्यों के साक्षी है। दंड के पात्र वे हैं जिनकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है। वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है।
हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं। चाहे वे शुभ कार्य कर रहे हो या अशुभ, ये दोनों प्रकार के कार्य उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और इन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर स्वीकार किया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच जाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय है। इस जीवन में अपने धर्म या अधर्म कार्य की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्मों के संगत पलों का आनंद लेता है या कष्ट उठाता है। अपने इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षय मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति में गुणों के दबाव के अनुसार कर्म के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग कोष बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बन जाता है, जिसमें से निकल जाने की कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पा सकता है। हाँ, ये कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म को प्रतिष्ठित कराया जा रहा है। निसंदेह का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। निसंदेह उसने न केवल इस जीवन के किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह जामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना रा य तथा न इन चार अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण का नाम उच्चारण करने से उसने अपने लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। राजा या उसके पिता के हत्यारों, गौओं का वध करने वालों तथा अन्य सारे पापी पुरुषों के लिए भी यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का नाम आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कार्यों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम कर्मों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश और लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की जाती है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण से पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। परंतु इसने
नारायण भगवान को नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकारा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जला देती है उस तरह भगवान नाम चाहे वह जाने में या अनजाने में उच्चारित किया गया हो मनुष्य के पाप कर्मों के फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ उस दवा को ग्रहण करता है या वह जबरन खिलाई जाती है तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानने पर निर्भर नहीं करेगी। इस तरह भगवान के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने में या अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। हमें अपने प्रभु यमराज से मंत्रणा करनी होगी। अजामिल, अब तुम मृत्यु के मुख से बच गए हो। तुम्हें एक और जीवन मिल गया है। अब अपने पाप कर्म त्याग कर हरिद्वार की पवित्र भूमि को चले जाओ। तुम्हें भगवान का पवित्र नाम जप कर उनकी आराधना करनी है। इस कार्य के लिए तुम्हें शुभकामनाएं अजामिल। सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। धिक्कार है मुझ पर। मैंने इतने पाप किए हैं कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया है। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र ना था। क्योंकि मैंने उनकी परवाह नहीं की अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कार्यों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारी की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां कष्ट सहना चाहिए था। यदि मेरी विगत भक्ति ना होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को जो महीने के लिए उद्धत है किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव ना था। अतः मैं अपने मन जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बोध से अलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। जब अजामिल का मन तथा बुद्धि भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, उसने पुनः उन तीन स्वर्गीय पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है। अतः उसने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था, और परम धाम की ओर लौट गया।
अविनाश, अविनाश, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाप कर्मों में निकाल दी और कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं किया। अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए मैंने न जाने क्या क्या पाप कर्म नहीं किए। इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट अफेयर्स और न जाने क्या क्या। और मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल क्रेडिट भी नहीं है जो जो मुझे मरने के समय बचा सके। मैं अपनी लाइफ से कितना परेशान फील कर रहा हूं। ओ भागवत सुन रहे हो? ओ भागवत प्लीज प्लीज, मैं उन यमदूतों का सामना नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज मुझे वो बताओ जिसके लिए तुम अवतरित हुए हो। अविनाश, अब से आगे तुम सारे पाप कर्म जैसे नशा, जुआ, मांस खाना और व्यभिचार छोड़कर भगवान के पवित्र नाम का जप करो। यह हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग में मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मैं तुम्हें यह पूरा महामंत्र देता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सोचा था ये मेरा सबसे बुरा दिन था, पर भगवान की कृपा से मैं भागवत पुराण से मिला और उन्होंने उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। हरे कृष्णा